तो पूर्व सेवादार का टीवी 9 भारतवर्ष पर बड़ा खुलासा, बोले बाबा की पोल सेवादार ने खोल दी। ये अपने आप को भगवान कहलाते थे, एजेंट बताता था, पैसा देकर एजेंट बनाता था बाबा, 16-17 साल की लड़कियों को आश्रम में रखता था बाबा। अब सुनिए, पूर्व सेवादार रंजीत ने जो खुलासा किया है वो बहुत बड़ा खुलासा है। शराब पीता था, नशा करता था बाबा, ये पूर्व सेवादार रंजीत का खुलासा है। बाबा के पूर्व सेवादार रंजीत ने टीवी 9 भारतवर्ष पर यह खुलासा किया है कि बाबा आश्रम में लड़कियों को रखता था, बाबा आश्रम में एजेंट बनाता था, एजेंट पैसे लेकर एजेंट बनाता था, लोगों से अपनी तारीफ करवाता था, सुदर्शन चक्र का वो फर्जी विजुअल बनाकर लोगों को कहता था, देखो मेरी उंगली पर तुम्हें चक्र दिख रहा है कि नहीं। राकेश त्रिपाठी इतना बड़ा ढोंगी इतने सालों से इस तरह का काम कर रहा है और आप कह रहे हैं सब पर कार्रवाई होगी, अभी तक तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी इस बाबा की। भूमिका निकल करके सामने आएगी तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी। इस मामले में FIR जो दर्ज हुई है इसकी SIT जांच कर रही है, न्यायिक जांच भी हो रही है, जिनके नाम निकल करके आएंगे सामने उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अभी मनोज काका जी जो बहुत सारी बातें कर रहे थे ना, ये ब्रह्मांड में नारायण साकार हरि की सदा सदा ही जय जयकार हो ऐसा नारा लगाते हुए तो अखिलेश यादव के वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर लगातार तैर रहे हैं, उसको लेकर के मनोज काका एक बार भी नहीं कहेंगे। मनोज काका कह रहे हैं कि फर्जी पाखंडी बाबाओं को प्रोत्साहित सरकार कर रही है, लेकिन ये नारायण साकार हरि की ब्रह्मांड में सदा ही सदा के लिए जय जयकार हो ये नारा तो अखिलेश यादव लगाते हुए दिख रहे हैं। इसको लेकर के ये नहीं बताएंगे कि अखिलेश यादव जानबूझ करके ऐसे बाबाओं को क्यों बढ़ाते हैं। क्या ये सच नहीं है कि राम वृक्ष यादव जिसने जवाहर बाग में कब्जा किया था और हाईकोर्ट के आदेश से खाली कराने में 27 लोगों की जान 2 जून 2016 को गई थी, उत्तर प्रदेश भूला नहीं है कि कैसे कुंभ के मामले में हादसे में 43 लोगों की 43 लोगों की जान अखिलेश यादव के शासनकाल में गई थी। तो आप जब इस प्रकार के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखा करिए कि कैसे जय गुरुदेव के शिष्यों का भगदड़ में बनारस में दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। ये सारी घटनाओं को याद करिए मनोज काका। इस मामले पर आकर के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय आज पीड़ितों के आंसू पूछने के लिए जाते तो ज्यादा बेहतर होता। आज इस बात के लिए आप तत्परता से होते कि जो लोग घायल हैं उनको इलाज में हर संभव मदद मिले, उसके लिए हम भी आज साथ में आगे आ रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होता। सरकार को जो जवाबदेही है सरकार जवाबदेही मान रही है आपकी है। आपने जितने पुराने गिनाए यहां पर घटनाएं उन सब पर अनुज यादव काका और उनकी पार्टी से सवाल पूछे गए हैं। वर्तमान में 121 लोगों की अगर मौत हुई है और आपके सामने बगल में इस सूबे के DGP रह चुके इसी पैनल में बैठे हुए कह रहे हैं कि ये जस्टिस का मिसकैरेज है, तो आपको इसकी गंभीरता समझ में आ रही होगी ना राकेश जी? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मनोज यादव काका ने अगर कुछ गलती की तो आप भी उसी राह पर चलेंगे? मैं गौरव आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, आपके देख रहे दर्शकों को आश्वस्त कर रहा हूँ कि इस पूरे मामले में पूरा न्याय होगा, पूरा न्याय होगा और जिनकी भी जवाबदेही है वो चाहे आयोजक पक्ष हो या प्रशासन के पक्ष से हो, सबकी जवाबदेही फिक्स करने का काम। बाबा की जवाबदेही है कि नहीं आप ये बताइए? नहीं बिल्कुल जवाबदेही होगी, बिल्कुल जवाबदेही होगी, बिल्कुल जवाबदेही होगी, जवाबदेही से कोई बचने वाले नहीं है। लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम नहीं है इसका मतलब क्लीन चिट नहीं है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम नहीं है इसका मतलब क्लीन चिट नहीं होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट ही दर्ज होती है, प्रथम सूचना में जिनके जो आयोजक हैं उस आयोजक के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, विवेचना में जिनके जिनके नाम बढ़ते जाएंगे अज्ञात जिनके नाम दर्ज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या ये कोई पहला मामला है कि जिसमें अज्ञात के खिलाफ नाम नहीं, राकेश जी उनके भी नाम नहीं है, अब उनके भी आप कहेंगे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम है इसका मतलब कि जांच नहीं होगी? आप निश्चिंत रहिए, सारे आयोजकों सारे आयोजकों के नाम भी होंगे, सारे प्रायोजकों के नाम भी होंगे, कोई आयोजक प्रायोजक बचने वाला नहीं है इसका। प्रायोजक मतलब किसकी तरफ इशारा आपका? नहीं, जो लोग बढ़ाते रहे हैं, जो लोग इस प्रकार के पाखंड आज जो बता रहे हैं ना, जो लोग इस पाखंड को पढ़ाते रहे हैं उन सबकी भूमिका भी तय होगी। कौन लोग हैं जिसके पीछे इस तंत्र के पीछे खड़े हैं और कौन लोग हैं जिसके? अखिलेश यादव को बोल रहे हैं आप, जवाब दीजिए। मनोज यादव काका, आयोजकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, प्रायोजकों के खिलाफ भी जवाब होगी, जो बढ़ाते रहे हैं और वो ब्रह्मांड में श्री साकार हरि की जय हो वो उदाहरण दे रहे हैं आपके नेता का, और क्या बचता फिर? अरे गौरव आप तो एक बुद्धिमान और कम से कम सब चीजों को समझते अच्छे पत्रकार हैं, राकेश एक अधिवक्ता होकर के और मूढ़ों की तरह बात कर रहे हैं। इस देश में राम रहीम को किसने बढ़ाया? आसाराम के साथ नरेंद्र मोदी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक की तस्वीरें हैं और आसाराम किस चीज का दोषी है? बेटियों के बलात्कार का घिनौना दोषी है। राम रहीम किसका दोषी है? बेटियों के बलात्कार के बाद उनके हत्या का दोषी है। और तुम्हारे शीर्षस्थ नेता उसके साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, लगातार पैरोल दिया गया। हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है
योगी आदित्यनाथ की सरकार की। यदि आप अपना जो बेसिक दायित्व है, जो प्राथमिक दायित्व है कानून व्यवस्था, उसे भी नहीं संभाल पा रहे हो, 120 लोगों के मरने पर मरमाहत नहीं होते हो बल्कि बचाव कर रहे हो, उसी दुर्व्यवस्था का आप स्वयं शिकार हुए हो और शर्म नहीं आ रही है, बचाव कर रहे हो, तो ऐसी सरकार में क्या हो, उतर जाओ सरकार से, हट जाओ। देखो अभी फतेहपुर में क्या हुआ, एक व्यक्ति की सड़ी हुई लाश मिली, तो अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय कितनी बेहयाई से आज मौतों पर भी राजनीति करते हो आप लोग, तक नहीं आती। बताइए राकेश त्रिपाठी, जवाब दीजिए, फिर विक्रम सिंह सर, जितने एक मिनट राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए, जितने नाम नहीं, नहीं ये मनोज, ये मनोज जो काका बन करके सब इतने नाम गिना रहे ना, ये काका जितने नाम आप गिना रहे हो ना, ये सारे नाम जेल की सलाखों के पीछे हैं। फोटो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के साथ कोई खिंचा लेगा तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाने से बच जाएगा, ऐसा होता नहीं है। हाँ आप जरूर बचाने की कोशिश करते रहे हो, राम वृक्ष यादव को कैसे बचाने की कोशिश करते रहे हो, ये तो सामने है ना।